हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ शैली शर्मा, योर टीचर एंड योर बेस्ट फ्रेंड. डू यू नो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू विच स्टोरी टुडे? प्यारे प्यारे बच्चों, ककड़ी या कुकुम्बर तो आप सब खाते ही होंगे, परंतु कभी कभी जब ककड़ी कड़वी निकलती है तो इसका पता हमें एकदम से नहीं चलता, बल्कि थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि ककड़ी कड़वी है. क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बच्चों, आज अपन इसी का पता लगाते हैं. तो बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम टंग या जीभ की कहानी सुनेंगे. टंग मसल्स या मांसपेशियों से बनी एक छोटी सी चम्मच जैसी रचना होती है. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके की टंग या जीभ पाई जाती है. जीभ हमारे मुंह या माउथ के अंदर होती है. ये हमारे बोलने, खाना खाने और स्वाद बताने के काम आती है. ये हमारे खाने को चारों तरफ अच्छी तरह से मिक्स कर देती है, जिससे हमें पाचन या डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है. हमारी जीभ पर मुख्य रूप से चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले मीठे स्वाद की स्वाद कलिकाएं, फिर नमकीन, फिर खट्टा और आखिर में कड़वा स्वाद होता है. इसी कारण जब भी हम कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो उसका कड़वापन हमें सबसे आखिर में महसूस होता है. इन चारों स्वाद कलिकाओं के स्वाद को याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है, मीठा नमकीन खाकर मुंह खट्टा और कड़वा हो गया, मतलब स्वीट एंड सॉल्टी बिकेम सोर एंड बिटर. बच्चों, इन चारों स्वाद के अलावा एक और टेस्ट भी होता है, जिसे युमामी कहते हैं, जो कि चारों स्वादों यानी मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, इन चारों के मिलने से बना होता है. क्या आपको पता है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको स्वाद की कोई खास पहचान नहीं होती, और इसी तरह जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे भी स्वाद की कोई खास पहचान नहीं रह जाती? तो इसका कारण भी यही स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स हैं, जो कि बचपन और बुढ़ापे में कम विकसित होती हैं, जबकि वयस्क अवस्था या एडल्ट एज में ये अधिक विकसित होती हैं. तो बच्चों, अब आप जान गए ना कि हमारी जीभ पर मीठा स्वाद सबसे पहले क्यों आता है और कड़वा स्वाद सबसे आखिर में क्यों आता है. तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना. और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना.